हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर प्रेरणा और मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ तीसरी भाग ऑफ प्रेगनेंसी, यानी थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी 29वें हफ्ते से 40वें हफ्ते के बीच की क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या साइंस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहली दो वीडियोस में फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी पहला भाग और दूसरा भाग इसका अच्छे से कर चुकी हूँ, अब हम दूसरे भाग नहीं तीसरे भाग की बात करेंगे कर सकते हैं, यानी थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, थर्ड भाग ऑफ प्रेगनेंसी में भी मिल सकते हैं। तो पहला है एमिनोरिया। एमिनोरिया जैसे कि मैंने आपको बताया था सिजेशन ऑफ मेंसेस, यानी आपको मेंसेस नहीं आएंगे, ये बात आप ध्यान रखिए। चाहे पहला भाग हो, दूसरा भाग हो या तीसरा भाग हो, तीनों भागों में किसी को भी स्पॉटिंग या धब्बा या ब्लीडिंग होना गलत है। कोई भी प्रेगनेंसी में बिल्कुल मेंसेस बंद रहते हैं, प्रेगनेंसी में मेंसेस नहीं आने चाहिए। दूसरी बात डिस्कस करते हैं एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगी, बच्चे का वजन बढ़ेगा, बच्चे की ग्रोथ होगी, बच्चा अपने साइज में बढ़ेगा तो यूट्रस का साइज भी बड़ा होगा और पेट निकलने लगेगा, आपको पेट बढ़ता हुआ महसूस होने लगेगा। तीसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, मतलब आपको जल्दी जल्दी पेशाब आने की शिकायत जो कि पहले ट्राइमेस्टर में थी, पहले भाग में थी, वो दोबारा तीसरे भाग में मिलने शुरू हो जाएगी, यानी आप लोगों को बार बार पेशाब लगना, यूरिन लगना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह ये है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो वो नीचे आने लगता है, नीचे आने लगता है। जो मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो ब्लैडर होता है यानी पेशाब की जो थैली होती है वो यूट्रस के आगे होती है, तो जब बच्चा नीचे आने लगता है, डिलीवरी का टाइम पास आने लगता है, तो बच्चे का जो सर है वो ब्लैडर पे फिर से हिट करने लगता है, फिर से उसको जो है प्रेस करने लगता है, जिसकी वजह से जो पेशाब है या यूरिन है आपको जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाता है, जो ब्लैडर की कैपेसिटी है, जो ब्लैडर का वॉल्यूम है वो कम होने लगता है। चौथी बात है फीटल मूवमेंट्स, बच्चा का घूमना अब और अच्छे से पता चलने लगता है क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है, साइज में बड़ा हो गया है, उसके हाथ पैर चलने ज्यादा शुरू हो जाते हैं, तो बच्चे का घूमना महसूस होना ज्यादा शुरू हो जाता है। पांचवी बात जो हम डिस्कस करेंगे वो है लाइटनिंग। लाइटनिंग एक नया चीज है जो हम पता करेंगे। ये जो होती है किस कब होती है, ये 36वें हफ्ते के बाद होती है, यानी 9वें महीने पे आपको एक हल्कापन महसूस होगा, जो एक भारीपन रहता है ना वो हल्कापन महसूस होगा। आइए इसको समझते हैं। ये आपके लंग्स हैं, ये जो हरे रंग में दिख रहा है ये डायफ्राम है, ये बच्चा है जो कि बच्चेदानी में है, और ये आपकी पेल्विस बोन है जिसको मदर में फीमेल्स में एक हड्डी होती है नीचे की ओर, जिस हड्डी से बच्चा निकलता है उसको हम पेल्विक बोन कहते हैं। शुरू में जो होता है वो बच्चा जब बड़ा होता है वो पेल्विक बोन के ऊपर होता है, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है वो बच्चा नीचे आना शुरू हो जाता है और वो पेल्विक बोन पे फंस जाता है, आके रुक जाता है, एंगेज हो जाता है। उससे क्या होता है, जो डायफ्राम है वो थोड़ा नीचे आ जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो डायफ्राम जो है ऊपर होना शुरू होता है, तो लंग्स प्रेस होते हैं, फेफड़े कमजोर होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो छोटे होने लगते हैं, तो सांस लेने में परेशानी होने लगती है। लेकिन जब बच्चा नीचे आ जाता है तो ये डायफ्राम जिसे हम कहते हैं, जो कि फेफड़ों को पेट से अलग करता है, वो चीज जो होती है उसे हम डायफ्राम कहते हैं, वो नीचे आने लगता है, तो फेफड़े फिर से बड़े होने शुरू हो जाते हैं, अपना साइज उनका फिर से नॉर्मल होने लगता है, और जिस वजह से सांस लेना आसान होने लगता है। फीमेल्स को, औरतों को ऐसा लगता है कि उन्हें हल्कापन महसूस हो रहा है, ये चीज महसूस होती है तीसरे भाग ऑफ प्रेगनेंसी में, जो कि 36 हफ्ते के बाद यानी 9वें महीने पे। तो ये बात रही सिम्टम्स की। चलिए, ये बात हुई सिम्टम्स की, अब बात करते हैं साइंस की, साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, यानी अब एक गायनोकोलॉजिस्ट के पास अगर आप जाती हैं तो वो क्या क्या आपके अंदर देखते हैं जब आप तीसरे भाग ऑफ प्रेगनेंसी में होते हैं। तो साइंस ऑफ प्रेगनेंसी में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पेट ज्यादा बढ़ने लगता है, पेट का साइज ज्यादा होने लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चे का वजन बढ़ने लगता है, बच्चे की ग्रोथ होने लगती है, तो पेट निकलने लगता है। उसको हम नापते हैं फंडल हाइट से, जो कि मैं आगे आने वाली वीडियोस में समझाऊंगी कि फंडल हाइट किसे कहते हैं, कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब है, कम होना ज्यादा होना क्या फर्क पड़ता है इससे, ये सब मैं आगे वाली वीडियोस में बताऊंगी। बस इतना समझ लीजिए कि पेट बढ़ना शुरू हो जाता है।
दूसरा होता है लीनियर नाइग्रा और स्ट्राया ग्रेविडेरम, किसे कहते हैं ये अपनी सेकेंड वीडियो में मैं आपको समझा चुकी हूँ। काली लाइन स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं वो फीमेल के एब्डोमेन पे मिलने लगते हैं, सीधे वाली को जो बीच में एक लाइन होती है उसे लीनियर नाइग्रा कहते हैं, और जो लोअर एब्डोमेन में नीचे के हिस्से में पेट में जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं उसे हम स्ट्राया ग्रेविडेरम कहते हैं। ये लाल रंग के हो सकते हैं, पिंक रंग के हो सकते हैं, गुलाबी रंग के हो सकते हैं या काले रंग के भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी घबराने की कोई बात नहीं है। जब आपका बच्चा डिलीवर हो जाता है तो ये स्ट्रेच मार्क्स चले जाते हैं, इसलिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है फीटल मूवमेंट। फीटल मूवमेंट मतलब बच्चा अच्छा घूमना शुरू हो जाता है। फीमेल्स को, गायनेकोलॉजिस्ट को जब वो पेट पे हाथ रखती हैं तो बच्चे की मूवमेंट्स उनको महसूस होने लगते हैं क्योंकि बच्चा बड़ा हो जाता है। तीसरा है कि फीटल पार्ट इजीली पैल्पेबल। जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसके हाथ पैर बड़े हो जाते हैं, उसके बटक्स, उसका सर बड़ा होने लगता है तो आसानी से पता चल जाता है कि बच्चा किस पोजीशन में है। बच्चे का सर नीचे है या बच्चे के हाथ नीचे हैं, बच्चे का कंधा नीचे है या बच्चे के पैर नीचे हैं या बच्चे के बटक्स नीचे हैं, और ये सब पता करना ज्यादा जरूरी हो जाता है आखिरी वक्त में, जिससे हम मैनेज कर सकें कि प्रेगनेंसी नॉर्मल होनी है या सीजर होना है या क्या होना है। इससे पूरी प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट पता चलता है, इसलिए हम लोगों को फीटल पार्ट महसूस करने जरूरी होते हैं। चौथी और आखिरी चीज है फीटल हार्ट साउंड, मतलब बच्चे की धड़कन हम लोग सुननी शुरू कर देते हैं, ज्यादा सुननी शुरू कर देते हैं। दूसरे भाग में हमने बता ही चुका है आपको कि बच्चे की धड़कन कैसे सुनी जाती है। आले से भी सुन सकते हैं, डॉपलर से भी सुन सकते हैं, अल्ट्रासाउंड भी है। अल्ट्रासाउंड एक मशीन होती है जिससे बच्चा हर चीज देखी जाती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बस इतना समझ लीजिए नॉर्मल जो फीटल हार्ट साउंड जो होती है वो 110 से 160 होती है बच्चों की, जो कि हमारी नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है 60 से 100 होती है, लेकिन बच्चों की ज्यादा होती है 110 से 160 होती है। और ये ज्यादातर कहाँ सुनी जाती है, ज्यादातर जो होती है वो स्पाइनो अम्बिलिकल लाइन पे सुनी जाती है। अब हम समझते हैं स्पाइनो अम्बिलिकल लाइन किसे कहते हैं। अम्बिलिकस मतलब नाभि, ये है नाभि, और स्पाइन मतलब ये जो पेल्विक बोन है, जो मात की जो हड्डी होती है नीचे की, उसमें एक आगे की तरफ एक हड्डी का एक नुकीला भाग होता है जिसे हम स्पाइन कहते हैं। वहां से एक लाइन अगर खींचे तो दोनों साइड एक लाइन खींचेगी, उसके बीचों बीच कहीं मिलती है। मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इसी के बीच में मिले अगर नॉर्मल पोजिशन है, लेकिन अगर बच्चा किसी और पोजिशन में है यानी सीधा नहीं है, सर नीचे नहीं है, वो सर ऊपर है या आड़ा है या उल्टा है, उस कंडीशन में धड़कन कहीं और सुनाई देगी। तो हमें अभी नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं तो बस इतना समझ लीजिए कि अगर नॉर्मल है बच्चा, सर नीचे है, तो इन दोनों लाइनों के बीच में मिलेगी, यानी इस पोजीशन में कहीं भी मिल सकती है। चलिए ये तो रही साइंस की बात। तो ये थे हमारे साइनस सिम्टम्स तीसरे भाग ऑफ प्रेगनेंसी के जो हमने डिस्कस किए। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में समरी बताने वाली हूँ, यानी सारांश बताने वाली हूँ, जो हमने पहले दूसरे और तीसरे भाग ऑफ प्रेगनेंसी डिस्कस किए हैं उसमें क्या सिम्टम्स हैं, क्या साइंस हैं। इन सबको मैंने तीन भागों में डिवाइड किया है, प्रिजम्प्टिव, प्रोबेबल और एब्सोल्यूट। प्रिजम्प्टिव का मतलब जिसे हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ये आपके अंदर मौजूद हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। प्रोबेबल साइंस उन्हें कहते हैं या प्रोबेबल सिम्टम्स उन्हें कहते हैं जिसमें आप संभावित रूप से कह सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, और एब्सोल्यूट यानी पूर्ण तरह से श्योर शॉट आप बोल सकते हैं कि अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं तो आप प्रेग्नेंट हैं। तो इन तीनों में मैंने भाग किया है और मैं आपको समझाऊंगी अपने आने वाली वीडियो में कि आप जो है कैसे अनुमान लगा सकते हैं ये सिर्फ मौजूद होने से कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। Thank you so much. Thanks for watching. Keep loving and keep supporting. Have a nice day.